हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवी एंड आयु क्रिएशंस। तो आज मैं आपके साथ कच्ची हल्दी और मटर की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और जिसको विंटर में बहुत बनाया जाता है, क्योंकि विंटर में कच्ची हल्दी आपको आसानी से मिल जाती है। तो देखते हैं राजस्थान की शाही हल्दी मटर की सब्जी को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये कच्ची हल्दी है जिसको हमने धोकर छील लिया है। ऐसे कच्ची जो हल्दी होती है उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी बनाते हैं, लेकिन आज हम इसको मटर के साथ बनाने वाले हैं, तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस नहीं करेंगे बल्कि इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। मटर के साथ कद्दूकस की हुई हल्दी टेस्टी लगती है, इसीलिए हमने हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। तो आप जल्दी से हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहली मुख्य सामग्री 500 ग्राम हल्दी, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा एक बाउल दही, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, और इसके अलावा 4 मीडियम साइज प्याज जिनको हमें चॉप कर लेना है, 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, नमक हम स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा 200 ग्राम मटर के दाने। मटर के दाने हमें हल्दी से कम लेने हैं, 4 मीडियम साइज टोमेटो और आधा बाउल या उससे थोड़ा कम काजू। दही इसमें हमेशा फ्रेश यूज़ करना है, खट्टा नहीं। इसके अलावा 500 ग्राम हल्दी में 500 ग्राम घी लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखा, और गर्म होने के बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी को हमें लगातार घी में भूनते रहना है। हल्दी को घी में भूनने का मेन कारण ये है कि अगर किसी को लगता है कि हल्दी का टेस्ट उनको कड़वा लगता है, तो जब आप उसको घी के साथ भूनते हैं तो उसका जो कड़वापन होता है वो भी चला जाता है, और घी की बहुत अच्छी खुशबू जो है हल्दी में आ जाती है। इससे हल्दी की सब्जी बहुत टेस्टी लगने लग जाती है। और जब हम इसको घी में भूनते हैं तो आप देखते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाता है, और कच्ची हल्दी का जो गीलापन होता है वो भी धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है। तो आपको इसको भूनने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और आप देखेंगे कि भूनते हुए जो हल्दी है वो ऑलमोस्ट घी में ही पक जाती है। अगर काटी हुई हल्दी होती है तो थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमने हल्दी को कद्दूकस किया था इसीलिए ये जल्दी ही पक गई है, और हल्दी ने घी अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। पहले हमने घी को गर्म करके उसमें हल्दी को भून लिया था, और अब हम बचे हुए घी को गर्म कर लेते हैं। और जैसे ही घी अच्छे से गर्म होता है हम उसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद हम इसमें बारीक कूटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, और लहसुन को हमें थोड़ा सा भून लेना है। लहसुन के अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी हमें ट्रांसपेरेंट होने तक भुनना है, और इसके साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कूटा हुआ अदरक भी डाल देते हैं, और इसके साथ अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। टमाटर को भी हमें अच्छा पका लेना है, टमाटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि पैन जो है घी छोड़ देता है, तो हम इसमें तुरंत मटर ऐड कर लेंगे। मटर को हमें घी में अच्छा भून लेना है, और जब हम मटर को घी में भूनते हैं तो ये मटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही जब मटर अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर से पैन जो है वो घी छोड़ देता है, तब हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं। और दही ऐड करने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको इसको कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो दही फट जाता है। तो आप एक बार इसका हाई फ्लेम करके इसको कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि दही बिल्कुल ना फटे। इसके साथ ही हमने लाल मिर्च पाउडर और नमक भी ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ हमें इसको लगातार फिर से चलाते रहना है। सभी मसालों के साथ दही भी अच्छा पक गया है, तो वो फटा नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें घी दिखाई देने लग गया है, तो हमने इसमें थोड़े से काजू ऐड कर लिए हैं। और काजू ऐड करने के बाद अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं, और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छा मिक्स करके हमें
दो तीन मिनट तक अच्छे से चलाना है। मटर तो बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें घी में जो भुनी हुई हल्दी है उसको डाल देते हैं। क्योंकि मटर और हल्दी दोनों ही अच्छे से पके हुए हैं तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ हमें मटर और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। ऐसे तो हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन आप इसमें कभी कभी एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। हमने जिस कढ़ाई में हल्दी को भुना था उसमें हम एक छोटा कप पानी या आधा ग्लास के करीब आप उसमें पानी डाल दीजिए और पानी को बॉयल होने दीजिए। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो आप उसको हल्दी की सब्जी में डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो सब्जी है उसका कलर और भी अच्छा हो जाता है और सब्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पानी डालने से ये सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है, इवन बहुत ज़्यादा ठंड में 1 वीक तक ये सब्जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई करके हमें घी छोड़ने तक, सिर्फ घी छोड़ने तक हमें गैस को ऑन रखना है और उसके बाद हमें गैस ऑफ कर देना है और हमारी गर्मा गर्म शाही हल्दी मटर की सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो पानी वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो नहीं करें। लेकिन किसी भी रेसिपी में न्यू फ्लेवर्स के लिए चेंजेस अच्छे होते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से भी हल्दी की सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी सफ़र में ले जाने के लिए आप इस सब्जी को बना रहे हैं तो आप उसमें पानी ऐड नहीं करें। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म शाही हल्दी मटर की सब्जी। आप इसको पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और विंटर के लिए बहुत हेल्दी भी होती है। आप इसको एज ए पिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।